69 में आपकी आंखें चली गई, पूरा संघ चिंतित, जरा सी उम्र थी, युवा थी, पूरे साधु संघ चिंतित हो गया, पूरा देश का समाज चिंतित हो गया, क्या होगा कैसे होगा, समाधि दे नहीं सकते हैं। और वह परमात्मा की भक्ति, जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति, शांति भक्ति, पूरा साधु संघ पढ़ रहा था, और शांति भक्ति पढ़ते पढ़ते वर्धमान सागर जी महाराज आंखें आ गई। कहता है कलयुग है, मैं तो कहता हूँ जो देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा आस्था रखता है उसके लिए तो सतयुग है, और क्लब होटल की संस्कृति में जीने वालों को विशाल संख्या में आप आए हैं, तो निश्चित 13-20 की दूरियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। यह पूरे देश के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, विश्व के लिए बहुत बड़ा डेंजर है। मुझे आचार्य श्री तो बहुत उदारवादी है और वे सभी साधुओं का वात्सल्य देते हैं, और जब हम और वे यद्यप महाराज उत्तर के हैं लेकिन परंपरा दक्षिण की है, तो उत्तर दक्षिण दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, तो क्या आप लोग भी बैठ सकते हैं? हमारे सामने बहुत समस्या है। एक और कहते हैं पंचम काल में सच्चे मुनि महाराज नहीं है, निश्चय न सत्य है, व्यवहार झूठा है, उपादान से कार्य होता है, निमित्त कुछ नहीं करता है, और दूसरी ओर यह सारी समस्या है। हम छोटे छोटे समस्याओं में उलझे रहेंगे तो बड़ा काम कैसे करेंगे? ये भगवान महावीर की मुद्रा है। अभी 18,500 वर्ष पंचम काल के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे, तब तक यह वर्तमान सागर जी की मुद्रा चलती है। पांचों उंगली एक से नहीं है, सब श्रावक एक से नहीं है, सब साधु एक से नहीं है। निश्चित साधकों को अपनी साधना करना चाहिए। संत भद्र स्वामी के वे शब्द, विषया शाव शाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सब प्रशस्यते। निश्चित भगवान सागर जी सिद्धांतिक क्षेत्र में बहुत आपका, और अनेकों आगम ग्रंथों में चेतनमय पाठनी के माध्यम से आपके समाचार निरंतर, और वैसे भी आपकी प्रत्यक्ष तो एक बार हम लोग निवाई या मालपुरा थे, रोडारा सिंह महाराज जी थे, लेकिन संयोग नहीं बन पाया, और कभी मुझे रात में कुछ लोगों से मालूम हुआ कि महाराज जी आ गए हैं, और भावना उनकी कुछ चर्चा करने की है, मैंने की बहुत अच्छी बात है, ये तब मैंने पहले से टाइम दे दिया, मैं लेट हो गया, गौतमपुरी का जुलूस इतना लंबा था, मुझे बताया 2:30 समाप्त हो जाएगा, जुलूस आया 5 बजे, मैंने उनसे कहा भैया हमें लौट के भी उन्हें वहाँ से आना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, और इतनी भीड़ पांडाल होगी बिना जुलूस की कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया आप प्रतीक्षा में थोड़े से, तो मुझे आचार्य श्री से बड़ी अपेक्षाएं हैं कि हमारी जो प्राचीन पद्धतियां हैं, जो त्याग नियम की पद्धतियां हैं, आचार्य वर्धमान सागर जी से वर्तमान के सब साधुओं को ये खाली बाट पट्टा प्रवचन से भी से काम नहीं चलने वाला है। जिन प्रभावना जो होगी आचरण के माध्यम से होगी, त्याग तपश्चर्या के माध्यम से होगी, और मैं एक बात कहता रहता हूँ, जो साधु जितना निष्प्रय होगा, संयमी तपस्वी होगा, भक्तों की तो बिना आशीर्वाद के संकट कहाँ से बोल रहे हो? मैं ज्ञानाराम सुरचंद स्वामी के चैनल से बोल रहा हूँ, और वे भक्ति हरी थे जो लोहे को सोना बनाते थे, कहा भैया तुम फंस गए, क्या बात है तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और जब ध्यान से उठे तो पैर के नीचे की मिट्टी सामने पहाड़ पर डाली तो पूरा पहाड़ सड़। हमारा जैन दर्शन चमत्कारों में आस्था नहीं रखता है, ये मुंडारी के तपस्वी के चरण, मुंडारियों को रिद्धियां सिद्धियां हो जाती हैं और फिर भी उन्हें पता ही नहीं पड़ता है, तो जो भक्त लोग हैं मुंडराज को आहार, मुंडराज के बिहार, मुंडराज की अन्य चर्याओं के द्वारा बिना किसी नग को पहने, अरे तपस्वी मुंडराज की भक्ति रूपी नग पहनिए, और सारे साथिया सभी चल से विदाई समाज।
राजगढ़ के राजपुर के पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति पूजा कीजिए। करें सेवता की करें देव सेवा, सुने बेन सोई लहे ज्ञान मेवा, जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके शबे दोष भागे। कुएं के पानी की परंपरा को लेके बहुत विरोध चलता है। मेरे पास बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आते हैं, वैज्ञानिक एडवोकेट और सीईओ सब लोग आते हैं कि पानी नल का प्रारंभ कीजिए। एक कुएं का पानी चल रहा है तो पानी की सुरक्षा है। ये हेड पंप जेड पंप समर पंप जब से आए हैं, ये एक्वागार्ड आरओ आया है, तो अब अगला युद्ध विश्व में होने वाला है, पानी को लेके होने वाला है, तो उस परंपरा को महाराज जी निरंतर और सिगड़ी वाला चलता है जो हमारी प्राचीन पद्धति है, ये सारे श्रेष्ठियों को नहीं मिलने वाला है। गैस का चूल्हा, जो गैस का सिलेंडर बना दे, गैस बहुत महंगी होगी सुना है। आध्यात्मिक बात मुझे करना था, लेकिन आपकी व्यवहार की बात की है। निश्चित वर्तमान साहिब महाराज से हमें बड़ी अपेक्षा है, वो इस वर्तमान परंपरा की और इस परंपरा को अच्छा संसागर दक्षिण वाली की परंपरा को, लोग को लगता होगा ये चर्या कठिन है, वो है, मैं भी कुएं का पानी लेता हूँ, और चीजों में तो थोड़ी सी हमें ढील करनी पड़ी है, लेकिन कुएं का पानी शुद्धि प्रयास करते हम लोग, फिर भी भूल में वो शक्ता कभी हो जाए, लेकिन फिर भी कुएं का पानी और दिल्ली में तो घी और दूध से परे रांची ऐसा लगता है। लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ा, मैंने पूछना ताछना प्रारंभ किया, तो फिर लोगों ने उस अटपेरा घी की और सामने लुहागा दूध की व्यवस्था की। 10-5 बार जब मैंने इस तरह की, तो समाज को तो जैसे साधु मिलता है और समाज उसी तरह से मुझे समाज में अपेक्षा है। 13 पंक्ति 20 पंक्ति सारे भेदों को आज दूर करने की आवश्यकता है। हम सब एक जैन है, यह आज आवश्यकता है, अन्यथा हमारे युवा युवतियां, हमारे बहु बेटे स्टूडेंट हमें और हमारे समाज के लोगों को और माता पिता को माफ नहीं करेंगे। आज समाज में एकता की आवश्यकता है, हमें बहुत चुनौती काम करने के बहुत क्षेत्र है। विवाद के विषय क्यों उठाती हो? आज मंदिर जाने युवा पीढ़ी तैयार नहीं है और तुम उनको विवादों को लेकर के बच्चों को युवाओं को कहाँ दे देते हो? उन्हें नहीं मालूम कौन है 13 पंक्ति कौन है 20 पंक्ति। और ये पंथ भगवान का पंथ है, मेरा पंथ है, ये पंथ कुछ क्रियाओं में अंतर है, सिद्धांत तो सभी से है। मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ और अभी मुनिश्री आचार्य श्री को भी बोलना है और मुझे भी यहाँ से निकलना है, आगे बढ़ना है। इसी भावना के साथ हमें आचार्य वर्धमान साहिब से बड़ी अपेक्षा है। वे देश और राष्ट्र कौन की शुभावली का अभिषेक हुआ, उसमें बहुत बड़ा गौरव और बहुत अच्छी शालीनता से महाराज जी की शांति के माध्यम से हुई। तो मुझे आचार्य से अपेक्षा है युवाओं के लिए, कुछ स्टूडेंटों के लिए भी कुछ कलेवा पाथे ब्रेकफास्ट आप तैयार करें, क्योंकि लोग कहते हैं युवाओं में इंटरेस्ट नहीं है। दिल्ली जैसी सिटी में मैं देखता हूँ, जब मेरे छोटे से व्यक्ति के साथ सुबह और शाम रात्रि के समय कई सैकड़ों की संख्या में एक से एक VIP टाइम निकालता है, तो निश्चित श्रद्धा आस्था की कमी नहीं है। अगर हमारी समाज के लोग इन युवाओं को, इन स्टूडेंटों को वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से धर्म की बात बताएं, तो कौन कहता है कलयुग है? मैं तो कहता हूँ आज भी सतयुग हो सकता है। सायंकाल के समय सब व्यस्त हैं, ये VIP कॉलोनी है, लेकिन आचार्य वर्धमान साहिब का निमित्त बना और इतनी विशाल जनसंख्या आए, तो चतुर्दशी भी है, बड़ा प्रतिक्रमण भौतिक क्रिया साधु की भी है, आपकी भी, लेकिन श्रद्धा आस्था आज भी लोगों के अंदर श्रद्धा आस्था कमी नहीं है। आस्था के स्थान होंगे तो श्रद्धा आस्था, हमारे निर्मल जी सेठ जी खड़े हुए बड़े प्रयास भी करते रहते हैं और इस उम्र में भी नौजवान जैसा काम कर रहे हैं। अभी मुझे इनसे अपेक्षा ही है कि थोड़ा सा सामंजस्य बिठाते हुए और देश और समाज और राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाएंगे, इसी भावना के साथ अहिंसा बोले। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री गुप्ती नंदी महाराज से के चरणों में सभी ने वंदन, गुरुवार अपने उद्बोधन से हम सभी को कृपा करें। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज यही रहेंगे महाराज।
शशि भीष्म आचार्य जिन शा